अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एक गनर कैरेक्टर बनाया था जो कि कुछ इस तरह का ये हमने पूरा हिटमैन स्टाइल का गनर बनाया। तो इसमें मैंने लास्ट टाइम रिग नहीं आई थी क्योंकि फेस की कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, यानी मतलब मैं सोच रहा था कि इसमें कुछ दाढ़ी मूछ वगैरह ऐड कर दूँ, लेकिन वो बाद का काम है, बाद में करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने जो कैरेक्टर बनाना है वो है आर्चर। आर्चर ये वाला कैरेक्टर है, तो इसमें भी हेयर बाद में यूज़ होंगे, इसका पूरा सूट, इसकी बॉडी, इसकी बो, इसकी मेन चीज़ तो यही है कि बो और एरो हैं, ये इसको आर्चर बनाती है। तो हमने आज ये बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें इसकी बॉडी चाहिए जो मैंने लास्ट हिटमैन वाले गनर वाले कैरेक्टर से इसकी कॉपी कर दी थी, और अब हम इसको बनाने वाले। उसको बनाने के लिए पहले ये अपना डिफॉल्ट क्यूब रखते हैं, करते हैं डिलीट। मैंने एक व्यू यहाँ साइड पे भी दिया, पहले इसको राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू और इसको फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू करते हैं, और उसकी बॉडी को करते हैं कॉपी और फिर यहाँ पर ले आते हैं। और इसमें मैं ले आया हूँ इसकी बॉडी। तो पहले अपने काम को जो हम काम करते हैं वो करते हैं सेव, क्योंकि हम सेव करेंगे तो उससे आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं स्टाइलिक आर्चर। ये हो गया सेव, हम हमारा आर्चर की बॉडी यहाँ पे आ गई, और हम इसको एक शेप दे देते हैं। इसको पहले कर्सर सिलेक्शन टू कर्सर करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका ऑरिजिन करते हैं सेंटर में और सिलेक्शन टू कर्सर। अच्छा, बिल्कुल यहाँ पे हो गया, मैंने वर्ल्ड के ऑरिजिन में और बिल्कुल सेंटर में ये जी जेड पे मैंने थोड़ा ऊपर कर दी गई ताकि हमारे व्यूपोर्ट ग्रिड के ऊपर ही सब कुछ हमें मिल जाए बनाने के लिए। अच्छा, ये वाली बॉडी पर इसके हाथों को, हाथ वैसे ठीक हैं, कोई इसमें इतनी खास ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी बॉडी शेप थोड़ी मेल से फीमेल करनी है, बस और कुछ नहीं, बस यहाँ से जिस तरह फीमेल बॉडी बॉडी होती है वो हमें करना है। ओके, वो हम जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, इसको हमने स्कर्ट से ठीक किया था, तो हम 30 सारे ले आते हैं टूल्स बाय, और पहले एफ से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, और मेल पूरी शेप उसकी बनाते हैं। कुछ इस तरह से, और थोड़ी सी पतली 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 जांग बनी। ओके, यहाँ से इधर से भी कुछ इतने, और यहाँ से कुछ इस तरह इधर इधर यहाँ थोड़ा सा पतला, ओके, अब बाद भी इसके थोड़े पतले करने हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इसके हाथों का कुछ नहीं करना, बस अगर ज़रूरत पड़ ही जाए तो फिर पूरा पकड़ना है, वरना कम ही रखना है इसको, हाथों को पास करने हैं, ज़्यादा लंबे बाजू नहीं होंगे इसके। यहाँ पे इधर, ओके, अब नीचे से हम इसको ठीक करते हैं बॉडी। इसकी टांगें थोड़ी पतली रहेंगी, कुछ इस तरह नीचे से भी। अब
को थोड़ा पतला करना, क्योंकि फीमेल उसके पाँव थोड़े पतले पतले से होते हैं, ज़्यादा चौड़े नहीं होते, तो फ्रंट से इसको थोड़ा ठीक करते हैं, टॉप और बॉटम व्यू, और थोड़ा सा ब्रश साइज कम करके इसको करते हैं यहाँ पे, इसको इधर, इसको यहाँ इधर थोड़ा सा, और यहाँ पे बाद में से हमें ऊपर शूज ही बनाने हैं, तब कुछ इतना फर्क नहीं है। तो हम इसके बेसिक से शेप बनाते हैं और फिर हम इसके ऊपर शूज ही बनाएंगे लास्ट में, लास्ट में नहीं वैसे जब भी बनाएंगे शूज ही ऊपर होंगे, तो इतना कोई डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई थिंक ये शेप ठीक है, ये फीमेल ओके कैरेक्टर की बॉडी हो गई रेडी। ओके, बस थोड़ी सी जस्ट ओके यहाँ पे आ गया। ओके ठीक है, थोड़ा सा ब्रश साइज थोड़ा कम करके ओके कुछ इस तरह, और यहाँ थोड़ा ऊपर ओके, एक बेसिक सी शेप हो गई रेडी। बैक से भी हो गया है सब रेडी, और ये फीमेल बॉडी रेडी हो गई। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ही इसका आर्मर वगैरह सब कुछ बनाना। तो इसका आर्मर अगर देखा जाए तो कुछ अलग से टाइप का। अब हम इसमें जूम थोड़ा करते हैं, इमेज थोड़ी ब्लर हो जाएगी, तो इसका मतलब बॉडी है, मतलब इसकी शिफ्ट शिफ्ट कह रहा हूँ, इसके फिस्ट गार्ड्स और शोल्डर गार्ड्स हैं, और पीछे इसके कुछ पर्स लगे हैं, जैसे उसके बैक पे विंग्स और केप भी है इसका, और बूट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। और मतलब एक साइड से लेग के वो बनेगा गार्ड, और इसका अच्छा ठीक है, मुझे आइडिया हो गया हमारा कैसा बनेगा। ओके, अब मैंने इसकी छोटी मोटी सारी एडजस्टमेंट कर ली, अब इसका बनाते हैं सूट। मैं इसके बॉडी से कुछ भी डुप्लीकेट नहीं करूँगा, खुद से चीज बनाऊँगा। तो हम इसको करते हैं, इसको R90 पर रोटेट करते हैं, और थोड़ा सा GY पे आगे कर देते हैं। अच्छा, अब हमने इसको GMZ एक्सिस पे ऊपर ले आना है, बिल्कुल यहाँ स्केल करना है इधर। तो मैंने इसको स्कर्प्ट करके थोड़ी सी बॉडी छोटी कर दी इसकी, अब ये बिल्कुल ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा GMZ पे यहाँ करते हैं, SMZ पे कुछ इधर, और इसमें दरम्यान में एक लूप कट ऐड कर देते हैं, एक साइड से डिलीट करके वही जो हम मिरर करते हैं वही सारा सिस्टम करते हैं उसका। अच्छा, मॉडिफायर्स एंड मॉडिफायर मिरर, ये आ गया मिरर इधर। अब इसमें दो लूप कट हम दरम्यान में डालेंगे, इसको हम SNX पे थोड़ा इधर, और इन दोनों को GGG से थोड़ा नीचे की तरफ करते हैं कुछ यहाँ पे, और इसको GGG से इधर, और अब थोड़ा सा इधर यहाँ पे, इसको GNZ पे थोड़ा नीचे करते हैं इधर कुछ, और इन दोनों को रोटेट करते हैं यहाँ पे, और जी करते हैं इधर थोड़ा सा, जी मूव किया यहाँ, रोटेट हल्का सा इधर, और इसको जी मूव किया
इधर पर थोड़ी सी इसकी लेंथ जेड एक्सिस पे ज़्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ के ऊपर से थोड़ी डबल जी यहाँ और इसको इधर, इसको जी जेड थोड़ा सा यहाँ पे। अब हमने दरम्यान में भी हॉरिजेंटली भी दो तीन लूप कट्स डालने, तीन लूप कट्स बेसिकली डालते हैं हम। चलो ये ठीक है। अब ऊपर वाला लूप सेलेक्ट, इसको जी वाई और इसको भी नीचे से जी वाई प्रोपोर्शनल एडिटिंग अब हम ऑन करते हैं। जी वाई थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया, ओके। एक काम करते हैं, इसमें सब डिवीजन सरफेस भी ऐड कर देते हैं ताकि वो एक शेप रेडी रहे, ओके। अब नीचे से थोड़ा इसको डबल जी से जी एक्स से इधर करते हैं कुछ यहाँ, ओके। इसको अब हम सॉफ्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से कि इसको जी वाई ओके। अच्छा मतलब ये जो आर्मर बन रहा है इसका, ये इसका पूरे ऑल अराउंड बॉडी बनेगा। तो एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी एक बेवल मॉडिफायर ऐड कर देते हैं और उसको सब डिवीजन के ऊपर रख देंगे ताकि हमारे पास जो शेप है वो मेंटेन रहे और स्मूथ भी रहे। इसको थोड़ा सा बैक पे ले जाते हैं जी बाय यहाँ पे, जो टॉप लूप है उसको और नीचे लूप को थोड़ा सा जी बाय कम लेंथ देते हैं। और अब इसको साइड लूप को पकड़ने एक्सप्लोड किया एक्स एक्सिस पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसको बॉडी के करीब ले जाते हैं। ये हमने साइड व्यू इसलिए यहाँ किस लिए रखा हुआ है, जी वाई थोड़ा क्लोज थोड़ा सा जी सेट पे अप और यहाँ पे, ओके। अब एक्सप्लोर करते हैं इसको शोल्डर की तरफ, शोल्डर के नीचे से यहाँ एस जेड थोड़ा सा स्केल किया इधर और रोटेट करते हैं यहाँ पे। अब हम खुद से ही एडजस्टमेंट करते हैं इनकी, जी किया मूव यहाँ और इन साइड में पूरा लूप सेलेक्ट करके पहले बैक की तरफ कर देते हैं जी वाई, ओके। इसको जी वाई थोड़ा यहाँ रखते हैं, हाँ मतलब कुछ ठीक शेप बनती ही जा रही है। इसको ऐसे ठीक है ई ए बार वाई पे ले जाते हैं इधर और एस वाई और ज़ीरो, एक बार साइड व्यू से भी देखते हुए जाना कि शेप ठीक बन रही है, उसके अंदर कोलाइड तो नहीं हो रहा। ई एंड वाई पे यहाँ ये फ्रंट व्यू और ये बैक व्यू, इसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं इधर भी टॉप से बॉटम की तरफ थोड़ा सा जी एंड एक्स मूव किया इधर, रोटेट किया इधर, जी मूव खुद से कर लेते हैं। ये फ्रंट है, ये बैक है, इसको रोटेट करते हैं यहाँ पे जी थोड़ा सा एक्स से मूव करते हैं इधर, ई एंड एक्स जी एंड वाई
डबल जी से थोड़ा नीचे, इनको भी जी एन जेड को थोड़ा नीचे करते हैं, ई एन थोड़ा इधर, एस एक्स जीरो और यहाँ पे इसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं एक्स एक्सिस पे, जहाँ पे बिल्कुल ठीक रहे, बिल्कुल यहाँ पे, और ये अब पूरी शेप बन गई है। हाँ ओके, अब थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट करके मूव करते हैं इनको क्लोजर बॉडी से। अच्छा, और प्रोपोर्शनल एडिटिंग इसमें ऑन ही रहनी चाहिए, थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसको इधर इसको यहाँ पे ओके, एक्सरे मोड इसलिए ऑन किया है, दोनों को पकड़ा जी थोड़ा सा एक्स ओके, ये ठीक है। अब हम बैक की तरफ जाते हैं, इसको थोड़ा जी एन एक्स यहाँ पे, अब इसको करते हैं एक बार शेड स्मूथ, या फिर ऑटो स्मूथ, यहाँ पे लगता कोई मसला है, इसको जी वाई अच्छा लगता है, इस लूप में कुछ है अच्छा, ये बस मसला कर रहे हैं डिलीवरी, अच्छा ये एक्स्ट्रा है, और इनको करते हैं आगे की तरफ, इसको और इसको जी और वाई थोड़ा सा सर्कल कम, यहाँ पे कुछ इस तरह जी एन वाई इधर, मेरे ख्याल से यहाँ वर्टिसेस डबल है आई थिंक, तो इनको डिलीट करते हैं यहाँ पे ओके, इसको एक्सट्रूड इधर ही रहने देते हैं, थोड़ा सा जी एन एक्स पे मूव करते हैं, इसको फिल कर देते हैं इसके साथ, इसको ई एंड जेड को करते हैं कुछ इधर, प्लस इसको करते हैं अब फिल, और इन तीन को करते हैं फिल, अब शेप ठीक है। अब हम नीचे से इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, जैसा कि इसको पकड़ा जी एन जेड पे नीचे करते हैं इसको इधर ओके, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ जी वाई प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है, तो इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको पकड़ा और इसको भी जी वाई रखा इधर ओके, ये शेप बन गई।
इनको बस थोड़ा जी वाई पे आगे कर देते हैं, शेड स्मूथ, ओके कुछ इस तरह, कंट्रोल आर से एक लूप को डालते हैं यहाँ पे, शायद नहीं, ओके ये मतलब एक शेप बन गई। अब हम दूसरी शेप बनाते हैं जो कुछ उसकी अच्छा, इसको हम इसी की बॉडी के मैच से ही बनाएंगे, तो उसकी बॉडी के मैच से मतलब नहीं, इसको अपना ही बनाना पड़ेगा। शिफ्ट ए एड अ प्लेन और इसको जी जेड पर रखते हैं यहाँ, आर एक्स 90 कुछ इतना, और इसको स्केल करते हैं कुछ इतना, जी जेड पे इधर, जी वाई पे इधर, ओके। अब हम इसको एडिट मोड में होल्ड से सिलेक्ट करते हैं, इन दो को डबल जी से इधर और एस एन एक्स पे इधर, जी जेड पे यहाँ, दरम्यान एक लूप का ऐड करके हाफ डिलीट, कंट्रोल जेड एक्स डिलीट। नाउ इन मिरर बेवल फॉर सब डिविजन, सिंपल बोर्ड लेवल 2 रखते हैं, ओके। इसको जी वाई थोड़ा इधर, दरम्यान में दो लूप कट्स डालते हैं, बिल्कुल दो, ओके। साइड व्यू में इसको कुछ ठीक करते हैं जी यहाँ पे, अब इनको और सेट करके जी रखा है कुछ यहाँ और यहाँ पे, जी एक्स थोड़ा इधर, और अब इन तीन को पकड़ना है और एक्सप्लोर करना है एक्स की तरफ, स्केल करना है इधर, और जी जेड यहाँ पे इसको थोड़ा बैक की तरफ, वाई पे यहाँ, फ्रंट से एस एक्स पे रख, या जी एक्स करना, कंट्रोल प्लस करके रोटेट किया यहाँ, और जी मूव किया यहाँ इधर, इसको थोड़ा यहाँ और इसको इधर, ये आएगा इधर, हाँ। अब ठीक तो नहीं है, बस एक तरह से ठीक कह सकते, एक्सप्लोर करते हैं यहाँ, स्केल करते हैं थोड़ा इधर, जी एक्स इसको यहाँ पे करते हैं, इसको ई एंड एक्स एंड स्केल करना है कम,
इसको थोड़ा मूव करना है इधर, एक बार एक्सप्लोर करना है इधर, रोटेट किया एस एक्स 0 जी एन एक्स, थोड़ा बैक की तरफ या फिर यहाँ, नहीं अभी एक बार एक्सप्लोर और करना है ई एन एक्स, थोड़ा सा इधर यहाँ पे, और एक एक्सप्लोर करना है इधर। अब ये चार फिल करते हैं या फिर आने दो, इसको बाद में देखेंगे। एक्स एट द रेट वर्टिसेस, प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है जी वाई पे, थोड़ा इसको करते हैं स्केल अप। इसको यहाँ इधर रोटेट, थोड़ा सा स्केल डाउन करके इसको कंट्रोल, इसको इसको जी एन एक्स थोड़ा यहाँ पे, इसको डबल जी मूव करते हैं थोड़ा अंदर की तरफ, एक लूप कट डालते हैं इसका यहाँ पे, और एक लूप कट डालते हैं इसका यहाँ पे, और एंटर। इसको थोड़ा जी एंड वाई और एक्स पे मूव करते हैं ताकि वो स्क्वेयरिश शेप ना ले, फिर इनको यहाँ पे हम कर सकते हैं जी थोड़ा सा एक्स पे, इसको जी थोड़ा सा यहाँ, वाई थोड़ा इधर, जी वाई इधर। ओके अब हमने एक शेप ऐसी देनी है जी, इसको मूव किया इधर, इसको थोड़ा इधर, हम तीन तीन को पकड़ना, इधर अब इन दोनों को पकड़ के एक्सप्लोर करना है वाई की तरफ, समथिंग लाइक दिस। बीच में एक लूप कट, दो लूप कट्स डालें, दो या तीन, जी थोड़ा सा यहाँ, और इसको और शिफ्ट सेलेक्ट, इसको जी जेड ऊपर यहाँ, इसको जी सेट होना सा नीचे और यहाँ। ओके ये एक बेसिक शेप बनी, इसको एस जेड पे थोड़ा स्केल करते हैं यहाँ पे, स्केल करने के बाद इन दोनों को जी वाई मूव के अंदर, इसको जी वाई मूव किया बाहर। ये तो फ्रंट है, ये बैक व्यू, इसको ई एम जेड जी वाई। अब इनके साथ करते हैं इसको फिल, पहले इन तीन को करते हैं। अच्छा एक मुझे कुछ मसला हो रहा है जी वाई,
हाँ ये मसला है। और अब इसको और इसको फिल करना है यहाँ पे और इसको डिस्टर्न करके इसको करना है फिर इसको चीज सेंट थोड़ा सा ऊपर जी वाई थोड़ा सा अंदर बिल्कुल। हम इसको शेड स्मूथ कर देते हैं जी वाई और जी एक्स पे। अब जी पे यहाँ अब जी वाई पे करते हैं इसको डबल जी रखते हैं यहाँ पे जी वाई थोड़ा सा आगे करते हैं यहाँ और ये बन गई हमारी पूरी शेप। ओके अब हमने बाद में इसमें सॉलिडिफाई भी ऐड करना है। ओके तो अभी हमने इतना तो बना दिया और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने स्फीयर क्यों ऐड किया। तो ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि हम इसके जो लेग गार्ड जो बनाने वाले हैं ना उसको बनाएंगे। तो हम इनको नाम दे देते हैं चीज़ों को। अपर आर्मर हो गया ये लोअर आर्मर हो गया। अब इस स्फीयर को हमने क्या करना है कि पहले तो डिलीट करना है इतना या फिर हाफ पूरा हाफ ही डिलीट करना है। ये हो गया हाफ डिलीट और अब हाफ में से इतना डिलीट करना है। अब एक एक दो दो वर्टिस रह गए सिर्फ दो वर्टिस सिर्फ रह गए डिलीट होने का। एक ये देखिए अब इनको भी करना है डिलीट मतलब हाफ का भी हाफ हो गया। जैसे हमने शोल्डर्स बनाए थे अपने नाइट के ये बिल्कुल उसी तरह हम बनाने वाले हैं। तो इसमें भी अब मिरर नहीं देना बस इसको वो शेप देनी जो इसमें आनी चाहिए। तो इसमें मिरर तो देना है वैसे वो भी किसका इसके हाफ वाई एक्सिस का। ये सिलेक्ट हो गया इसको करते हैं इतना डिलीट और इसको मिरर करते हैं वाई एक्सिस पे बिल्कुल। अब इसको साइड व्यू से उसकी बॉडी की शेप्स बना रखते हैं फ्रंट व्यू से उसको बॉडी के ऊपर रखते हैं कि शेप के मुताबिक उसके ऊपर लग जाए यहाँ पे। और इसको रोटेट किया इतना स्केल करते हैं सिर्फ जेड एक्सिस पे स्केल करना फिर इसको R+180 करते हैं यहाँ पे और जी मूव करते हैं यहाँ पे क्योंकि अब जो शेप बनी है वही हम यूज करने वाले हैं। ये वाली शेप इसको तोड़ रखते हैं यहाँ पे। अब साइड देखते हैं दूसरा मैश इसका सिलेक्टेड है और एक्स पे नीचे मैश ऑन रखते हैं। ओके इसको जी एंड वाई पे करना
अच्छा एक काम करते हैं इसमें कि आर जेड को रोटेट करते हैं थोड़ा इधर, जी वाई रखते हैं यहाँ पे। अब इतना कोलाइड इसके बीच नहीं आ रहा, और हाँ सामने से भी इसके लिए ठीक है। ओके इसको जी एंड थोड़ा वाई की तरफ करते हैं। और एक सब डिवीजन और बेवल ऐड कर देते हैं, सब डिवीजन या फिर उसे बेवल की जरूरत तो नहीं है, इतना ही अच्छा बन रहा है। शेड स्मूथ, और बस इसको फ्रंट से लेंथ सही देनी है। इसको यहाँ पे कंट्रोल यहाँ तक इतना। हाँ अब इसको स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, एक्सप्लोर किया इधर, स्केल किया इधर, प्रोपोर्शन एडिटिंग ऑफ करके थोड़ा सा स्केल, फिर जी या फिर रुको ई एंड जेड, थोड़ा सा जी वाई, ओ सॉरी एक्स, कंट्रोल 3 दबा के इसके ऑपोजिट साइड पे चलते हैं, जी एंड वाई पे करते हैं, जी वाई यहाँ पे। अब मेरे ख्याल से ना अभी मिरर मुझे हटा देना चाहिए, कंट्रोल जेड। अच्छा अब मिरर दोबारा ऐड करना पड़ेगा, मिरर को हम कंट्रोल जेड नहीं कर सकते, और मॉडिफायर को हम कंट्रोल जेड नहीं कर सकते क्योंकि मॉडिफायर मॉडिफायर होते हैं, उसको वापस नहीं जा सकते, उसके अंदर किए गए एक्शंस को कर सकते हैं बस, लेकिन मॉडिफायर को नहीं। डबल जी इसको करते हैं थोड़ा सा इधर इधर, ओके बाद में हम खुद ही ठीक कर लेंगे। ये फ्रंट व्यू है, इसको हम थोड़ा टाइट कर देते हैं, जो भी हमने एक्सप्लोर किए हैं। इसका मैश ऑन करते हैं मिरर का। अच्छा अब कंट्रोल आर से एक लूप कट डाला इधर, जो टाइट करेगा इसको। हाँ अब इस तरह ऊपर से भी करते हैं, सिर्फ शिफ्ट डी सेलेक्ट, इनको कंट्रोल से इनको करते हैं डी सेलेक्ट। हाँ और इसको डी सेलेक्ट कर देते हैं। अब ई और स्केल, प्रोपोर्शन एडिटिंग ऑफ करनी पड़ती है बार। अच्छा अब ई थोड़ा इधर मूव करते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे अब इनको कर देते हैं फिल। ई थोड़ा यहाँ पे इसको, इन चार को करते हैं फिर, ओके ये ठीक है। अब एक बार इसमें लूप कट डालते हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ, इसको भी जेड करते हैं यहाँ, और अब इसमें ऐड किया लूप कट। यहाँ पे और अब बिल्कुल शेप ठीक बन गई। और अब हमने कुछ इस तरह करना है कि जो एक तरफ वाला मैश है, यानी अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ इतना, तो हम इसको सिर्फ फ्लैट करेंगे। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इसके आर्मर में है, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है उसमें जेम है एक,
जेम इस तरह के उस सर्कल के अंदर फंसा हुआ है। अच्छा, तो हमें उसको कैसे बनाना है कि इतना को करना सेलेक्ट, ये हो गया सेलेक्ट। इसको एस एंड वाई पे 0 स्केल कर देना, और थोड़ा सा जी एंड वाई पे मूव करना बाहर की तरफ। पहले इसको करते हैं फिल यहाँ पे। ओके, अब जो हमने वाई एक्सिस पे किया है स्केल, इनको हम एक लूप टू, राइट क्लिक, लूप टू से सर्कल कर देते हैं। कंट्रोल है, ये कुछ हेल्प नहीं करने वाला, तो हम इधर दरमियान से कर लेते हैं। अच्छा, 3 ये फेस पकड़ते हैं, इनको क्यू सब डिवाइड, एक बार और कंट्रोल जेड, एक बार सब डिवाइड। अच्छा था। अब हम इनको इनको लेके इधर 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 इधर। अच्छा, अब इनको राइट क्लिक, लूप टूल्स और सर्कल करते हैं बिल्कुल यहाँ पे, मैसन एक्स पे एस एन जेड। अच्छा, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं हम बाहर की तरफ। एक लूप डालते हैं बीच में ताकि थोड़ा जेम वाला पीस टाइट हो जाए। अब ये फेसेस ऊपर वाले सारे सिलेक्ट करना 3 बाय प्रेसिंग 3। इसको यहाँ पर लिया, कंट्रोल इधर था, ये यहाँ इधर और इधर। एक बार और करना है इंसर्ट एक्सट्रूड इन, हल्का सा करना है बस। एक लूप कट बीच में भी डाल देते हैं, और फिर उसके बाद हम जेम अलग से बना लें, बना के फिर इसको इसके अंदर अटैच कर दें। कंट्रोल आर से एक लूप कट, डबल जी इसको रखा है यहाँ पे, एक और लूप कट डाल के यहाँ, एक और लूप का डाल के इसको थोड़ा डबल जी से नीचे करके इतना टाइट कर दिया हमें। ओके, ये अच्छा खासा हमारा बन गया। ये अगर जरूरत पड़ी तो हम ऊपर बीट लगा देंगे, क्योंकि यही चीज़ ऊपर भी आने वाली है। अब इसमें ना मिरर सिर्फ अप्लाई करना है, और हम फिर जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे ताकि हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ भी कोई चीज़ आए। जी मूव करते हैं, प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके इसको इतना करते हैं सेलेक्ट, जी थोड़ा सा इधर, और हो गया ये यहाँ पे सेट। अब ये जो छोटी छोटी मैश की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको करते हैं ठीक। इन दोनों को पहले मर्जर सेंटर कर लेते हैं, और अब इन दोनों को भी कर देते हैं। सेंटर कुछ यहाँ से ठीक हो गया, चलो जी एक्स इसको रख देते हैं। अच्छा, अब नीचे से भी ठीक करते हैं, ये आ गया मटर सेंटर। इसको इन दोनों को भी किया, और इन दोनों को भी कर दिया। ये इसके अंदर आ रहा था, तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं।
कोई चीज़ अंदर कोलाइड नहीं होनी चाहिए। जी एक्स और सॉरी वाई सब को इकट्ठे पकड़ के जी बाय ओके ठीक है। अब हमारा मैश ठीक हो गया और ये शेप भी बन गई है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इससे अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।